हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच प्रथम पाली में संपन्न हुई। दो पालियों में आयोजित परीक्षा में पहली पाली में हाई स्कूल की और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। पहले दिन प्रथम पाली में 10वीं का हिंदी, 12वीं की सैन्य विज्ञान की परीक्षा है। द्वितीय पाली में 12वीं की परीक्षा हिंदी, सामान्य हिंदी की हुई। संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम GGIC से हो रही। पहले दिन बच्चों ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया तो किसी ने मंदिर में माथा टेक बेहतर परीक्षा होने की मन्नत मांगी। क्षेत्र के पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जनता जनार्दन इंटर कॉलेज, राजकिशोर सिंह इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन बच्चों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्रों के बाहर खड़े होकर स्कूल के बाहर लगाए गए कक्षावार रोल नंबर चार्ट में बच्चे अपना कक्ष देखते रहे। काफी संख्या में अभिभावक भी अपने बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहे। 90 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, 229 वृत्तविहीन विद्यालय, 1,06,254 हाई स्कूल में कुल पंजीकृत छात्र, जिसमें 58,967 लड़कियां शामिल रही। आइए सुनाते हैं परीक्षा देते बच्चे और अभिभावक ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? अंजलि। अच्छा, आज यहाँ जनता जनार्दन पे विद्यालय पे आप परीक्षा देने आए, किस कौन सी विषय की परीक्षा थी इसके बारे में बताइए। हिंदी, बहुत अच्छा पेपर गया। अच्छा, और जो है इसके बाद 21 तारीख को मैथ की पेपर है। अगली 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 विषय कौन सी है इसके बाद? मैथ का। क्या नाम आपका? शिवम कुमार। किस क्लास में? 10। आज कब आए थे परीक्षा देने? 7:30 बजे। क्या कैसे हुई परीक्षा बताइए? बहुत अच्छी हुई, पूरा प्रश्न लिख दिए और कोई एक नकल भी नहीं हुई, परीक्षा बहुत अच्छे से गई। तुम्हारा आज जनता जनार्दन के विद्यालय में परीक्षा देने और कौन सी विषय की आज परीक्षा थी इसके बारे में? हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा गया। कैसा पेपर आप लोग का गया? बहुत अच्छा गया। और इसके बाद कौन सी परीक्षा है? इसके बाद मैथ का है। मैथ विषय की है, ठीक। भैया सबसे पहले अपना परिचय बताएं। बबलू यादव। भैया आज ये बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हुई है और कितने बजे से कितने बजे तक ये परीक्षा चलेगी और कितने बजे समाप्त होगी इसके बारे में? 8 बजे से लेकर 11:15 तक परीक्षा होगी। तो हमारे घर के बच्चे खुश होंगे, यहाँ हैं परीक्षा दिलाने आए हैं, प्रशासन यहाँ चकाचौंध है और कोई चीज़ की यहाँ दिक्कत नहीं अभी तक महसूस हो रही है, सब ठीक चल रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मतलब बच्चे 6 नंबर से भी पास होते हैं हमेशा की तरीके, अब की बार भी उम्मीद है? उम्मीद इसलिए है कि यहाँ के जो व्यवस्था है अच्छे तरीके से जो डील किए हैं, साल भर पढ़ाए हैं, जो बच्चे जितनी ज़्यादा प्रतिभा होगी हिसाब से वो अपना व्यवस्था बनाएगा। हमको तो लगता है साल की तरह इस बार भी होगा।